વડાપ્રધાન મોદીએ જમ્મુ કાશ્મીરમાં પ્રવાસીઓનો ધસારો વધે તે દિશામાં પહેલ ઉઠાવી છે, જેના ભાગ સ્વરૂપે શ્રીનગરથી દિલ્હીની નાઇટ ફ્લાઇટ શરૂ કરાઈ છે. વધુમાં ટીવી 9 સાથે થયેલી ખાસ વાતચીતમાં શું કહ્યું પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરીએ, આવો તે પણ જોઈએ. પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી રોહિત કંસલજી આપણી સાથે છે. જે પ્રકારની સ્થિતિ આજે થઈ છે અને જે પ્રકારે 73મો સ્વતંત્રતા દિવસ આજે મનાવવામાં આવ્યો છે, એના વિશે ખાસ કરીને વાત કરીશું. રાજ્યપાલજીને બહુત સારી બાતે આજ કહી હૈ, કિસ તરીકે સે ઇમ્પ્લીમેન્ટેશન ઇનકા હોગા, ઓર આપને ભી એક બાત કહી હૈ કે 7:15 કી એક ફ્લાઇટ દિલ્હી તક યહાં સે જાયેગી. देखिए, राज्यपाल महोदय ने अपने इंडिपेंडेंस डे भाषण में एक विजन बताई है. उन्होंने विजन बताई है फॉर अ प्रॉस्परस हैप्पी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जिसमें उन्होंने टूरिज्म की बात की है, जिसमें उन्होंने जम्मू और श्रीनगर एज ग्लोबल मेट्रोपोलिसिस की बात की है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात की है. एंड ये एक सुखद कोइंसिडेंस है कि आज जो है श्रीनगर से दिल्ली एक नाइट फ्लाइट जो है चल रही है, और एक तरीके से माना जाए तो ये पहली नाइट फ्लाइट है. आज तक जो है 6 बजे फ्लाइट्स बंद हो जाती थी, इनफैक्ट उससे पहले ही बंद हो जाती थी, लेकिन ये 7:15 बजे फ्लाइट जा रही है और ये 8:55 पे दिल्ली में लैंड करेगी. तो एक तरह से ये नाइट फ्लाइट्स का शुरुआत है, बिगिनिंग है. तो सबसे पहले तो वी आर होपफुल कि सारी एयरलाइंस जो हैं अपने अपने शेड्यूल्स जो हैं ऑल्टर करेंगी, ताकि नाइट फ्लाइट्स हो जाएं, सुबह जल्दी आएं, शाम को लेट जाएं, ताकि वर्किंग आवर्स इंक्रीज हो जाएं. इससे ऑब्वियसली टूरिज्म को, ट्रेड को, सब चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा. जो बाकी बातें कही गई, जैसे यू नो लाइट ट्रांजिट सिस्टम के बारे में बात कही गई, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के बारे में बात करी गई, टूरिज्म के बारे में बात करी गई, इन्वेस्टमेंट समिट की बात हुई, तो उन सब चीज़ों पर कार्य चल रहा है. एंड आई एम श्योर कि जल्दी आपको इसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे. सर, खास तौर पर जो कम्युनिकेशन का जो जरिया है, वो जरिया अभी तक मतलब फोन लाइंस या इंटरनेट या अभी तक वो नहीं हो पा रहा है, किस तरीके से लोकल अथॉरिटीज आपने कहा असेसमेंट करेगी और उसके बाद होगा, लेकिन और कितना इंतजार लोगों को करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम पिछले हफ्ते देखें तो रिलैक्सेशंस की जा रही हैं. सैटरडे को रिलैक्सेशन हुई, संडे को रिलैक्सेशन हुई, मंडे को प्रेयर्स के बाद रिलैक्सेशन हुई. थोड़ी सी आज रिस्ट्रिक्शंस रखी गई थी, लेकिन आई एम श्योर कि आज जो है आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द सेलिब्रेशंस, एवरी लोकल अथॉरिटी विल टेक ए कॉल आफ्टर टेकिंग कॉग्निसेंस ऑफ द पीसफुल वे इन विच द सेलिब्रेशंस हैव कंक्लूडेड टुडे. अच्छा, जो सिचुएशन अभी है, अभी रिस्ट्रिक्शंस जिस तरीके से लगाए गए हैं सभी जगहों पर, कुछ कुछ लार्ज एरिया में आपने कहा, वो कब तक रिलैक्स होगा, किस तरीके से उसका अभ्यास किया जा रहा है पुलिस के साथ जो दूसरे सिस्टम? दो तीन बातें कहूंगा. सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन सेंट्रलाइज नहीं है. ऐसा नहीं है कि एक स्विच है जो ऑन ऑफ हो जाता है, रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, रिस्ट्रिक्शन हट जाती है. हर एक एरिया की सिचुएशन डायनेमिक है, हर एक एरिया में अपने लोकल नुएंसेस हैं, अपने लॉ एंड ऑर्डर नुएंसेस हैं, और यही वजह है कि लोकल अथॉरिटीज जो हैं देखती हैं कि कहां पे क्या नुएंस है, कहां से कहीं सवेरे जरूरत है रिलैक्सेशन की, कहीं शाम को जरूरत है, कहीं आज जरूरत है, कहीं कल जरूरत है. बट ओवरऑल सरकार की तरफ से एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी ये है कि ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन हो, ज्यादा से ज्यादा समय के लिए रिलैक्सेशन हो, और ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेशन मिले. अब इस ओवरऑल पॉलिसी को कैसे कार्यान्वित किया जाएगा विद इन योर लोकल कंडीशन, ये लोकल लोग देखते हैं. अच्छा, एक एक अधिकारी देखते, क्या एक पहल हो रही है कि सरकार की तरफ से इन एरियाज में जाकर के लोगों से बात करके या उनसे मशवरा करके कुछ एक माहौल बनाने की कोशिश हो कि ये शांतिपूर्ण तरीके से वापस से कश्मीर पहले की तरह पूर्ववत हो जाए, ऐसा कोई प्रयास हो रहा है क्या? जहां तक इसका सवाल है तो फॉर एग्जाम्पल यू नो फूड सप्लाईज आर नॉर्मल, वाटर सप्लाईज आर नॉर्मल, पावर इज नॉर्मल. तो कैसे नॉर्मल है? इसलिए नॉर्मल है क्योंकि अधिकारी कोई जा रहा है ना, कोई अधिकारी जा रहा है, कोई बिजली का काम कर रहा है, कोई पानी का काम कर रहा है, कोई सैनिटेशन का काम कर रहा है, कोई हेल्थ का काम कर रहा है, कोई फाइनेंस का काम कर रहा है. तो नेचुरली कॉन्टैक्ट इज टेकिंग प्लेस एट वेरियस लेवल्स एंड ऑल दीज पीपल आर नॉट फ्रॉम आउटसाइड, दे आर पार्ट ऑफ ऑल ऑफ अस, दे आर पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी. तो ऐसा नहीं है. तो बट आई एम श्योर कि यू नो वी आर सीइंग मोर एंड मोर काम, मोर एंड मोर रिलैक्सेशन, एंड वी आर वेरी होपफुल दैट जो है नॉर्मलसी जल्दी आ जाएगी. थैंक यू. તો આ હતા રોહિત કંસલ. એમનું કહેવું છે કે જે વાતો જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર માટે રાજ્યપાલે કરી છે અને સાથે જ સાથે જે રિલેક્સેશનની વાત છે કે બીજા જે મુદ્દાઓ છે, મુદ્દાઓને લઈને સરકાર પણ ચિંતિત છે અને આ મુદ્દા ઉપર ભવિષ્યમાં કામ થશે. કેમેરામેન ઉર્વિશ સોની સાથે સચિન પાટીલ, ટીવી 9 કાશ્મીર.